नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर आल एग्रीकल्चर कम टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2017 जो कि BSc AG के लिए होता है, जो हुआ था उसका जो प्रीवियस ईयर का अर्थात कहेंगे जो पेपर है 2017 का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के थे उनको सॉल्व कर लिया था, तो अब हम 176 क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें 176 क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। तो इसमें से कौन ऐसे थे जो आपके DG रहे हैं, किसके, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए ये दो क्वेश्चन तो पहले यहाँ से आपके ऑलरेडी बन जा रहे हैं, कहेंगे कि ये आपका जो क्वेश्चन है, एक तो दो तो आपके डायरेक्ट बन जा रहा है। एक तो ये कि IRRI का पूरा नाम क्या है, ये याद रखना है, पूछा जाता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI। दूसरा IRRI कहाँ है, तो फिलीपींस में है, अर्थात ये इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन है। और ये कहाँ है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहेंगे ये फिलीपींस में है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। और तीसरा अब ये बन रहा है कि कौन डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, तो ये BP पाल, RES परौदा, RB सिंह और MES स्वामीनाथन। MES स्वामीनाथन जिसको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से आपका ये जो डॉक्टर कहेंगे कि एक तरीके से MES स्वामीनाथन है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहेंगे कि 1982 से लेके, ये आपके 1982 से लेके 1988 तक DG थे, तो ये आपका हो जाएगा MES स्वामीनाथन, ये राइट आंसर है। तो याद कर लेंगे तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो IRRI का पूरा नाम कहाँ है और ये कहाँ इस्टेब्लिश है, कहाँ है। और ये उसके बाद क्वेश्चन 177 पूछा गया है कि म्यूटेशन इज, तो म्यूटेशन एक टर्म किसने दिया था, ये भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। म्यूटेशन टर्म गिवन बाय ह्यूगो डेविडिज, तो ये आपका म्यूटेशन टर्म जो दिया था, कहेंगे कि ह्यूगो डेविडिज ने दिया था, एक क्वेश्चन ये। और दूसरा म्यूटेशन क्या होता है, रिसेसिव एंड हार्मफुल, डोमिनेंट एंड हार्मफुल, डोमिनेंट एंड यूजफुल एंड रिसेसिव एंड यूजफुल। तो देखिए जनरली जो आपका म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन जनरली वो क्या होता है, रिसेसिव एंड हार्मफुल होता है। ये देखिए क्योंकि इसके जो रेट ऑफ सक्सेस हैं वो बहुत लो हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो एक ही होगा, क्योंकि म्यूटेशन आर रिसेसिव एंड हार्मफुल जनरली। इसके जो चांसेज होते हैं सक्सेस के वो 0.1% या कह सकते हैं कि इससे भी कम होते हैं। तो इसका 177 का जो हो जाएगा ए सही है, म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन जिसको कहते हैं, ये अप्रभावी और नुकसानदेह होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो मैंने ऑलरेडी वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराया है, बताया भी था। 178, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, किसको हम फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडेल को या RH रेचारिया या योन लॉन्गफिंग या GS खुश। तो ये आपका जो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस हो जाएगा वो हम कह सकते हैं कि बी अर्थात सेकंड युआन लॉन्ग पिन, इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। तो ये याद रखना है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कौन है, युआन लॉन्ग पिंग। तो ये हो जाएगा 178। एंड उसके बाद 179 क्वेश्चन है कि किसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो क्रोमोसोम, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सभी आप सभी को मालूम होगा। तो जो माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो पौधों में जो हरा रंग होता है, जो पत्तियाँ हरे होती हैं, वो किसके कारण होती हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होती हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद 180 बड़ा ही, ये भी आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो से, जब आप पूरा अगर रेगुलर देखते रहेंगे, क्योंकि जनरली शॉर्ट वीडियो 10-5 मिनट का वीडियो ही उपलब्ध है, तो वो शॉर्ट वीडियो देखते रहेंगे, जितने भी वीडियो अगर मिल रहे हैं तो आपका 100% बेनिफिशियल होता है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज एज बायो फर्टिलाइजर, किसको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, राइजोबियम कल्चर, एजोला,
ट्राइकोडर्मा या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए बायो फर्टिलाइजर में आपका राइजोबियम है, तो जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो करता है वो कौन करता है? राइजोबियम। और राइजोबियम क्या है, क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो राइजोबियम जो होता है वो बैक्टीरिया है, तो ये याद रखना है, जीवाणु है ये। क्या होता है राइजोबियम? क्या है? जीवाणु है, फंगस नहीं है, फंजाई नहीं है, कवक नहीं है। तो ये दूसरा एजोला है, एजोला ये भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा भी ये बायो पेस्टिसाइड है, अर्थात एक तरीके से रोग को कंट्रोल भी करता है, साथ ही साथ जो सॉयल को में ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करता है, तो ये बायो फर्टिलाइजर का काम भी करता है। तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी, अर्थात ऑल ऑफ दीज जो हो जाएगा वो राइट आंसर है। उसके बाद 181 क्वेश्चन ये आपको बताना है, 181 बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन, अर्थात यूरेसिल आपका जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो आरएनए में, डीएनए में, बोथ या नॉन ऑफ दीज? तो यूरेसिल जो होता है देखिए ये आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। 181 को हो जाएगा। 182 है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी मैंने ये वीडियो डाला हुआ है, ये सभी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, डिजीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, पेस्ट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो ब्राउनिंग सिम्टम इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, अर्थात जो ब्राउनिंग सिम्टम होती है कॉलीफ्लावर्स में वो किसके कारण होती है? बोरान के कारण, आयरन कारण, जिंक कारण, मॉलिब्डेनम कारण। तो ये फूलगोभी में जो भूरापन होता है वो किसके कारण होता है? तो कहेंगे कि 182 का जो राइट आंसर है वो बोरान की कमी के कारण, ब्राउनिंग। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि ब्राउनिंग इज ए कॉमन डिजीज या ऑफ कॉलीफ्लावर क्रॉप्स, अर्थात फूलगोभी, फूलगोभी में ब्राउनिंग होती है, भूरापन होता है, और दूसरा किसके कारण होता है? तो बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। उसके बाद 183 क्वेश्चन है, PGPR इज कंसर्न विथ, जो आपका PGPR है वो किससे रिलेटेड है? बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन प्लांट, हार्मफुल बैक्टीरिया इन प्लांट, बेनिफिशियल फंगस इन प्लांट, हार्मफुल फंगस इन प्लांट। तो PGPR, तो ये आपका एक तरीके से अगर हम 183 की बात करते हैं तो इसमें आपका बेनिफिशियल हो जाएगा बैक्टीरिया इन प्लांट, तो ये आपका पौधों में लाभदायक जीवाणु होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 184 कहेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ग्रो सुटेबली इन इंटरक्रॉप्स ऑफ वीट्स, वीट के साथ अर्थात गेहूं के साथ हम अंतः फसल के रूप में कौन सी फसल लेते हैं? तो अगर आप फील्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे किसान क्या करता है, ये मैं ऑप्शन भी नहीं बताऊंगा, जनरली वो गेहूं के साथ वो एक तरीके से इंटरक्रॉपिंग के रूप में राई का यूज करता है, गन्ना, अरहर, आलू का नहीं, वो जनरली किसका करता है? राई का करता है, और एक 9:1 के रेशियो के साथ करता है। तो जो मोस्ट कॉमन हो जाएगा वो हमारी राई हो जाएगी, मस्टर्ड। अब इसके बाद 185 क्वेश्चन जो है, इंडियन, देखिए ये IARI कहाँ इस्टेब्लिश है? तो ये पूरा नाम, मतलब एक तो IARI इसका पूरा नाम याद रखना है, IARI, तो IARI, तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये तो सभी को ICAR का सभी फॉर्म फिलअप करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो वो ICAR और IARI ये दोनों आपकी नई दिल्ली में इस्टेब्लिश हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ आपका चार ऑप्शन जो दिया गया था तो ये याद रखेंगे। उसके बाद 186 है, तो ग्रास हॉपर बिलोंग टू ऑर्डर, जो ग्रास हॉपर होता है वो किस ऑर्डर से है? लेप्डोप्टेरा, आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, ब्लेटोडेरा। तो जो आइसोप्टेरा होता है, जैसे टर्माइट अर्थात कह सकते हैं कि जो आपकी दीमक होता है, दीमक जो है वो आपका आइसोप्टेरा के अंतर्गत आ जाएगा। एंड ये ग्रासहॉपर जो होता है, टिड्डा, ग्रासहॉपर जो होगा वो आपका आर्थोप्टेरा के अंतर्गत आएगा, तो आर्थोप्टेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 187, SRI मेथड, जिसको हम श्री मेथड कहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो इस पर उपलब्ध कराया है श्री मेथड के बारे में। तो SRI मेथड्स का पहले तो पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो श्री मेथड्स अब
किससे रिलेटेड, थ्री मेथड, धान की खेती से, तोरिया की खेती से, गेहूं की खेती से, तो गन्ने की खेती से। तो थ्री मेथड्स जो रिलेटेड है वो आपका धान की खेती से, किससे रिलेटेड है, पैडी से। और इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है थ्री मेथड का, तो कहेंगे कि सिस्टम ऑफ राइस या आपका इंटेंसिफिकेशन। तो ये श्री का पूरा नाम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो देखिए आर राइस, तो यहाँ सीधा है ये पैडी के कल्टीवेशन से रिलेटेड है। तो एक 187 का फर्स्ट राइट है, उसके बाद 188 का है एफिड इज ए मेजर प्रॉब्लम। एफिड किसका मेजर प्रॉब्लम है, वीट का है, मस्टर्ड का है, पी है, बार्ली है। तो देखिए हमारा एफिड्स जो जनरली वीट पे भी अटैक करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है एफिड, या जिसको हम कहते हैं क्या, माहू, माहू ये देखते हैं हमें सबसे ज़्यादा किस पे क्रॉप पे होती है, सरसों पे, अर्थात मस्टर्ड पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड मस्टर्ड हो जाएगा, 188 का मस्टर्ड जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 189 आपका दिया गया। देखिए मैंने अभी बताया भी था ट्रिप्टिकम एस्टिवम इज ए बॉटनिकल नेम किसका है, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को जो सॉल्व कराया था पेपर उसमें बताया भी था। तो ट्रिप्टिकम एस्टिवम, तो देखिए ये पैडी, तो पैडी का क्या होता है, ओराइजा सटाइवा है, जिया तो कहेंगे कि जिया मेज हो जाएगा, इंडूराटा दर, वीट, तो वीट जो होता है उसको क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, वीट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम बॉटनिकल नेम किसका है, गेहूं का। उसके बाद 190 कहेंगे कि ये आपका क्वेश्चन, नीलम और दशहरी किसके पेरेंट्स हैं, अर्थात नीलम और दशहरी ये दो वराइटियाँ हैं किसकी हैं, आम की हैं। नीलम और दशहरी ये दोनों वराइटियाँ हमारी किसकी हैं, आम की हैं। तो ये याद रखना है, ये दोनों वराइटियाँ नीलम दशहरी, ये भी मल्लिका इसी पेपर के पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मल्लिका एक वराइटी है जो कि पूछी भी गई थी। तो ये सभी मल्लिका, आम्रपाली, लंगड़ा, अल्फांसो, तो ये सभी जो लंगड़ा, ये सभी जो वराइटियाँ हैं ये मैंगो की वैरायटी है, तो इनको याद रखेंगे। हो सकता है पूछ लिया जाए कि आम्रपाली किसकी वैरायटी है, मल्लिका किसकी है, लंगड़ा किसका है, अल्फांसो किसकी वैरायटी है। तो 190 में जो राइट आंसर होने वाला है वो है मल्लिका और आम्रपाली का। तो ये MND अर्थात मल्लिका, नीलम गुड़े दशहरी, और ADN अर्थात आम्रपाली जो हो जाएगा दशहरी गुड़े नीलम का क्रॉस होता है। तो ये भी पूछा जाता है किसका क्रॉस, ADN अर्थात आम्रपाली जो हो जाएगा दशहरी इधर और गुड़े नीलम अगर हो रहा है तो ADN आम्रपाली, और मल्लिका MND अर्थात मल्लिका बराबर नीलम गुड़े दशहरी। तो ये राइट आंसर, और ये राइट आंसर है 190 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 191, आशीर्वाद ये वैरायटी आप, अर्थात इसमें से आपको बताना है कि आशीर्वाद किसकी वैरायटी है, मस्टर्ड, सीसम, लिनसीड, ग्राउंड नट। तो ये आशीर्वाद जो हो जाएगी वो राई की वैरायटी है, तिल मतलब कि राई की वैरायटी है। उसके बाद 192, इसमें विच क्रॉप इज बीइंग यूज एज ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योर के रूप में, अर्थात हम कौन सी फसल हरी खाद के रूप में यूज करते हैं, गन्ना, सिसबेनिया मीन्स ढांचा, राइस, धान, मक्का। तो न तो मक्का का यूज करते हैं, न धान का यूज करते हैं, न गन्ने का। तो इसमें ढैंचा जो हो जाएगा वो हम हरी खाद के रूप में यूज करते हैं, तो ढैंचा जो हो जाएगा बी सेकंड ऑप्शन राइट है। इसके बाद हम 193, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर, कहेंगे कि यूजफुल फॉर इन्हांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड, अर्थात जो हमारी सरसों की फसल होती है, अगर सरसों में तेल की मात्रा बढ़ानी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जिंक, सल्फर, आयरन या बोरान। तो देखिए जनरली कोई भी आपकी, यहाँ अगर जैसे मस्टर्ड दिया गया है या हमारी अदर दलहनी जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली है, तो मूंगफली में अगर तेल की मात्रा बढ़ानी है, किसी भी फसल में तेल की मात्रा जब बढ़ानी होती है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सल्फर का यूज। तो 193 का जो सही हो जाएगा वो हमारा सल्फर सही है, ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद 194 क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोटीन अवेलेबल इन व्हीट ग्रेन्स, अर्थात व्हीट में कितने परसेंट आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, 9 से 13, 15 से 20, 22 से 25, 28 से 30।
तो देखिए जनरली व्हीट क्रॉप में गेहूं के दानों में प्रोटीन जो होता है जनरली वो 9 से 13% जो है वो पाया जाता है। तो 194 का जो सही आंसर होगा वो 1 होगा। तो ये हो गया। उसके बाद 195 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हेल्प फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल। तो देखिए अब इसमें जो दिया गया है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राजमा जो है राजमा नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है, हालांकि ये दलहनी क्रॉप है लेकिन ये नहीं करती है जनरली। तो अब इसमें से तो ये क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हैं रॉन्ग हो सकता है, या इसमें ये राजमा सही हो सकता है कि दलहनी फसल के रूप में वो जानना चाहो कर सकता है। और दूसरा हमारा राइस क्रॉप में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है लेकिन वो राइस क्रॉप नहीं करती है, वो हमारा करता है एजोला हुआ या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें आंसर ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं। उसके बाद 196 क्वेश्चन है, फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल यूज, एल्कलाइन सॉइल के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो इसमें आपका जिप्सम हो जाएगा, लाइम, यूरिया एंड म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल, तो 196 जो है वो जिप्सम है। और अगर हमारा एक तरीके से एसिडिक सॉइल होता है तो जनरली उसमें लाइम अर्थात चूने का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद कहेंगे कि ये आपका 197 क्वेश्चन है, 197 क्वेश्चन जो पूछा गया है रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट, अर्थात रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट कितना होता है 197 का। तो इसमें आपके कहेंगे कि इन्फिनाइट, -1 to +1, 0 to 1, 1 to 2, तो 1 to 2 नहीं होगा, 0 to 2 नहीं होगा। ये आपका इसमें जो राइट आंसर होने वाला है 47 का कहेंगे कि ये 197 का सेकंड, ये बराबर पूछा जाता है ये कम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट, यही कोरिलेशन कोफिशियंट तो -1 से लेके +1 तक होता है। इसके बाद हम अगर बात करें 198 क्वेश्चन, देखिए ये पूसा नन्हा, ये बड़ी फेमस वैरायटी है, ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। 198 पूसा नन्हा ही जो वैरायटी ऑफ विच फ्रूट्स, तो पूसा नन्हा किस फ्रूट्स की वैरायटी है, मैंगो, पपाया, गुआवा, कोकोनट्स। तो देखिए ये बड़ी ही महत्वपूर्ण और फेमस वैरायटी है पूसा नन्हा और ये पूछी जाती है। तो ये आम की वैरायटी नहीं है, ये वैरायटी है पपीता की। तो पपीता जो हो जाएगा राइट आंसर है, पूसा नन्हा इज ए फेमस वैरायटी ऑफ, और ये डायोसियस वैरायटी है तो कहेंगे कई तरीके से कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये 198 हो जाएगा। उसके बाद आपका 200, तो ये एक तरीके से ये फील्ड एक्सपेरिमेंट से था, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा बताएंगे कि कैसे फील्ड एक्सपेरिमेंट निकाला जाता है। इमास्कुलेशन इन पैडी इज प्रिफर्ड डन, तो जो हमारा इमास्कुलेशन मीन्स जब हम पॉलिनेशन करते हैं, हम हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करते हैं, तो हम उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसको रिमूव, फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स, अर्थात एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट अगर पाए जा रहे हैं, या एक पौधे पे जो फीमेल पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो उसी को हम इमास्कुलेशन करते हैं। तो ये नाइट अर्थात रात में तो नहीं करेंगे, नून अर्थात दोपहर में भी नहीं करेंगे, आफ्टरनून अर्थात ये भी नहीं। तो जनरली हम कब करते हैं, धान में हम इमास्कुलेशन की जो क्रिया है वो सुबह करते हैं। तो ये चीज़ें, ये दो कहेंगे कि ये आपके 50 क्वेश्चन जो 2017 के इंट्रेंस एग्जाम में BHU इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए और लाइक अदर दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो मैं 2017 का ये पेपर है, 2017 में दो बार एग्ज़ाम हुआ था, तो री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पेपर मेरे पास, तो मैं 2017 का री एग्ज़ाम का पेपर प्लस 2018 का पेपर और 2015-16 तो जो भी मेरे पास पेपर है 3-4-5 साल का पेपर, वो पूरा मैं साल करा के इस यहाँ चैनल पे उपलब्ध करा दूँगा। लेकिन अगर आप सभी चाहेंगे, अगर आप सभी को पसंद आएगा,